Good evening everyone, this is Simarpreet Singh Garoda and today I'll be covering the revision and explanation of class 9th English poem No Manner Form. So let's start. Now first of all, the poem that we are going to discuss today is No Manner Form, and this poem is written by James Kirkup. Is poem ko likha kisne hai? Is poem ko James Kirkup ne likha hai. When we'll read this poem, few things aapko yahan pe clear honi shuru ho jayengi. Wo kya hai? Sabse pehle jo poet yahan pe hai, James Kirkup, wo kya cheeze clear karna chahte hain? He wants to clear that no manner form. आप देखो, हम लोग फॉरनर जो कंसेप्ट है, ये एक एसएसटी का कंसेप्ट है, सोशल साइंस कंसेप्ट. आप लोगों ने ये चीज अपनी क्लास 8th में पढ़ी होगी कि व्हेनेवर अ पर्सन डिड नॉट बिलोंग टू द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन, ही इज रेफर्ड टू एज अ फॉरनर. कोई भी ऐसा पर्सन जो मेरी फिजिकल बाउंड्रीज को बिलोंग नहीं करता, मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि पर्सन जो है ये फॉरनर है, ये किसी और कंट्री को बिलोंग करता है. बट इस पोएम के थ्रू जो पोएट है जेम्स कर्कब, वो आपको मैसेज देना चाहते हैं दैट नो मैनर फॉरन, कोई भी पर्सन, कोई भी ह्यूमन बीइंग फॉरनर नहीं है. एंड इस चीज को प्रूव करने के लिए वो वैरायटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपको यहां पर देते हैं. हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल आर स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज इज फॉरन? वी हैव मेनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम. दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज. इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑल ऑफ मेनी वेज इन विच वी ऑल आर द सेम फॉर वी आर ऑल ह्यूमंस. तो चीज मैं आपको कह रहा था कि एक फॉरनर का कंसेप्ट जो है, एक सोशल से कंसेप्ट है, जहां पर हम बेसिकली कहते हैं कोई भी एक पर्सन जो हमारी फिजिकल बाउंड्री को बिलोंग नहीं करता, हम कहते हैं कि ये पर्सन किसी फॉरन लैंड को बिलोंग करता है, ये पर्सन कोई फॉरनर है. लेकिन इस पर्टिकुलर पोएम के थ्रू, नो मैनर फॉरन के थ्रू, पोएट क्लियरली आपको ये चीज स्टेट करना चाहते हैं नो मैनर फॉरन. एंड इस चीज को प्रूव करने के लिए ही गिव यू वैरायटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन दिस पोएम एंड दे सर्टेनली प्रूव दैट नो मैन आर फॉरेन फॉर वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. हम सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं. आओ जरा इस पोएम को देखते हैं. रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी शैल ऑल लिव. They too aware of the sun and the air and water are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep and the strength that can be won. By love, in every land is common life that all can recognize and understand. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. It is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country strange. James Cook. अब एक-एक करके बेटा हम इसके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली एक-एक स्टैंजा में पोएट आपको क्या मैसेज दे रहा है. फर्स्ट स्टैंजा, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट यहां पे कह रहे हैं, रिमेंबर करो, इस बात को हमेशा याद रखो दैट नो मैन आर फॉरेन, नो पर्सन इज स्ट्रेंज, नो मैन आर फॉरेन. रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. कह रहे हैं सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखो, कोई भी मैन स्ट्रेंज नहीं है. नो ह्यूमन बीइंग, नो मैन आर स्ट्रेंज. नो कंट्री इज फॉरन, कोई भी कंट्री भी फॉरन कंट्री नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. चाहे आपने जिस भी तरह की यूनिफॉर्म पहन रखी हो, चाहे आपने कोई रिलीजियस अटायर पहन रखा हो, चाहे आपने कोई मिलिट्री अटायर पहन रखा हो, बीनीथ ऑल दीज यूनिफॉर्म्स एक सिंगल बॉडी है जो ब्रीथ कर रही है. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in we shall all lie. कह रहे हैं जिस लैंड के ऊपर हमारे ब्रदर्स वॉक अपॉन करते हैं, वो स्ट्रेंज मैन जिनको कहा जाता है, वो वॉक अपॉन करते हैं, इस अर्थ लाइक आर्स, वो बिल्कुल हमारे जैसी ही अर्थ है, वो बिल्कुल हमारे जैसा ही लैंड है. इन विच वी शैल ऑल लाई, जहां पर एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद, डेथ के बाद, हमारे को भी वहीं पर जाना है, उसी लैंड के अंदर जाना. सो बेसिकली पोएट यहाँ पे सिंपली कह रहे हैं कि पहली बात तो आप ये याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी मैन स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी मैन अलग नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, देयर आर नो कंट्रीज फॉरेन. जो भी आपने यूनिफॉर्म पहन रखी है, जो भी आपने अटायर पहन रखा है, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो मिलिट्री अटायर हो, उन सबके नीचे एक सिंगल बॉडी है जो ब्रीथ कर रही है. जिन लोगों को हम लोग स्ट्रेंजर्स कहते हैं, वो एक्चुअली क्या है? हमारे ब्रदर्स हैं. They are brothers which belong to a different country. And जो उनकी country है, वहां पर भी वैसी earth है जैसे हमारी country के अंदर है. Is earth like this in which we shall all lie. जहां पर एक certain time period के बाद, हम लोगों की भी death होने के बाद, हम लोग वहीं पर जाकर, we will all shall lie in the same earth.
थिंग इज बेसिकली अगर आप इस चीज को हिस्टोरिकली सोचो तो ह्यूमन बींग्स गॉड ने बिल्कुल सेम बनाए थे. इट इज बी ह्यूमंस हु हैव क्रिएटेड बाउंड्रीज. ये हम ह्यूमंस इन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट करी है. चाहे अगर आप ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात करो तो हम लोगों ने कंट्रीज क्रिएट कर दी हैं. आप मेंटल बाउंड्रीज की बात करो, हमने रिलीजन्स क्रिएट कर दी हैं. सो पोएट यहाँ पे सिंपली ये चीज स्टेट करे कि गॉड ने सबको सेम बना के भेजा. God has made everyone same. It is we humans who are making distinctions. हम humans जो कहते हैं कि ये particular person हमारे culture को belong करता है and ये particular person foreign है. हम humans जो कहते हैं कि ये country हमारे को belong करती है और वो country जो है foreign country है. Okay. Now, they too are aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by wars long winter starved, their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. क्या कह रहे हैं इसके अंदर? कह रहे हैं दे टू आर अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. जैसे हमारे को सन एयर और वाटर के बारे में पता है, वैसे ही उन लोगों को भी सन के बारे में, एयर के बारे में, वाटर के बारे में पता है. दे ऑल्सो नो कि सन से उनको विटामिन डी मिलता है, उनको पता है कि सन के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है. उन वो भी वही सेम एयर को ब्रीथ कर रहे हैं, वो भी सही वही सेम वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं अपनी थर्स्ट को क्वेंच करने. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्क. उन्हें भी पीसफुल हार्वेस्ट के थ्रू ही फेड किया जाता है. वो भी हार्वेस्ट करते हैं, सो करने के बाद में जो प्रोड्यूस आता है उसे वो लोग कंज्यूम करते हैं. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्क. एंड साथ में क्या कह रहे हैं इसके अंदर? जब पीसफुल माहौल होता है तो वो लोग आराम से अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, प्रोड्यूस को कंज्यूम करते हैं. एंड जब वॉर्स होती हैं तो वो लोग भी हमारी तरह ही स्टाफ करते हैं. आप लोगों ने बेटा नेशनलिज्म इन इंडिया वगैरह, अभी आप लोग नाइन्थ में हो, व्हेन यू विल गो इन क्लास 10, तो आपके पास एक चैप्टर आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में. वहां पर आप देखोगे कैसे ब्रिटिशर्स जब इंडिया के अंदर थे तो उन्होंने कैसे फेमाइन कॉज किया था, जिसे हम लोग द ग्रेट बंगाल फेमाइन भी कहते हैं. सो जब भी वॉर्स वगैरह होती हैं, ऐसे फेमाइन आना, ऐसी भुखमरी फैलना, ये सब चीजें नॉर्मल होती है. तो दे आर सेइंग हियर इज जैसे हमारे लैंड पर पीसफुल टाइम पे हार्वेस्ट प्रोड्यूस होती है, हम उसे कंज्यूम करते हैं, वैसे ही वहां पर भी होता है. जैसे हमारे लैंड पर कोई वॉर होती है तो वहां पे हम लोग विंटर के अंदर स्टाफ कर जाते हैं, फेमाइन आ जाते हैं, वही चीज उनके साथ भी होती है. देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइंस वी रीड. उनके हैंड्स बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं एंड इन देयर लाइंस वी रीड. हम उनको समझ पा रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड देम. A labor not different from our own. क्या कह रहे हैं इसके अंदर? कह रहे हैं पहली बात तो जैसे हमारे hands हैं वैसे ही उनके hands हैं. The hands that we have are the same hands that they also have. And in their lines we read. उनके हाथों पे जो lines हैं, जो लकीरें हैं, उनसे हम लोग क्या समझ पाते हैं? A labor not different from our own. And बेटा यहाँ पे labor का मतलब क्या है? यहाँ पर labor का मतलब है here is hard work. लेबर हेयर मीन्स हार्ड वर्क. तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. उनकी भी लेबर वैसी ही है जैसे हमारी है. जैसे हम पूरा दिन हार्ड वर्क करके पैसे कमाते हैं, वैसे ही वो लोग भी ऐसा ही करते हैं. दे ऑल्सो डू देयर प्रोपोर्शन ऑफ हार्ड वर्क, दे ऑल्सो डू देयर फेयर शेयर ऑफ हार्ड वर्क एंड देन आर एबल टू हैव अ नाइस मील. ओके, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक. इस चीज को याद रखो कि उनके पास भी हमारी जैसी ही आंखें हैं. दे ऑल्सो हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक, जो जागती हैं, और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. क्या कह रहे हैं वो इस चीज के अंदर? कह रहे हैं सबसे पहले तो थर्ड स्टैंडर्ड में आप ये बात याद रखो दैट दे ऑल्सो हैव फिजिकल फीचर्स लाइक अस. सेकेंड सेंसर में कहा कि उनके हैंड्स हमारे जैसे होते हैं, जो वो लेबर करते हैं, जो वो हार्डवर्क करते हैं, वो हमारे जैसी होती है. थर्ड स्टैंसर में कह रहे हैं कि उनकी आईज बिल्कुल हमारे जैसी है. जब हम जागते हैं तो वो आईज खुलती हैं. रिमेंबर दे हैव आईज लाइक अस दैट वेक. और स्लीप, या आप सो जाते हो. एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव. एंड स्ट्रेंथ जो आप जीत सकते हो, कैसे जीत सकते हो? लव के थ्रू. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ. हर लैंड के अंदर आपको कॉमन लाइफ देखने को मिल जाएगी दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. जिसको सारे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, सारे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एवरी वन कैन अंडरस्टैंड दिस. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इन द थर्ड स्टैंजा. तो थर्ड स्टैंजा में सिंपली उन्होंने क्या कहा? उनकी आईज हमारे जैसी हैं, जो वेकअप होती हैं, जो स्लीप होती हैं. एंड स्ट्रेंथ, जिसको जीता जा सकता है. आप देखो कि वायलेंस से आप स्ट्रेंथ को नहीं जीत सकते. आप एक पर्सन को जीत पाओगे, आप उस पर्सन की आइडियोलॉजी को नहीं जीत पाओगे. तो उस पर्सन की आइडियोलॉजी को जीतने के लिए, जिसको सारे अंडरस्टैंड करते हैं, वो किससे थ्रू हो सकते हैं? इट कैन ओनली हैपन थ्रू द पावर ऑफ लव. तो ये थर्ड स्टैंजा की बेटा लास्ट टू लाइंस के अंदर वो लोग क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? हियर द पोएट इज सिग्निफाइजिंग द पावर ऑफ लव. तभी देखो हम क्या कह रहे हैं. एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव.
एंड स्ट्रेंथ जो सिर्फ कैसे जीती जा सकती है, लव के थ्रू, प्यार के थ्रू. लेट अस रिमेंबर, व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम. रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. क्या कह रहे हैं इसके अंदर? कह रहे हैं इस चीज को हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमारे को कहा जाता है, व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स. आप देखो बेटा, न्यूज चैनल्स में, मीडिया में, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बार लोग कहते हैं इंडिया पाकिस्तान चलते हैं, ऐसी बाहर की कंट्रीज के अंदर इसराइल पैलेस्टीन होता है, वैसे ही यूएसए के अंदर यूएसए एंड मेक्सिको के साथ में होता है. सो दे आर सेइंग व्हेनेवर वी आर टोल्ड, जब भी हमारे को ह्यूमन बींग्स को, कॉमन बींग्स को कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, कि हम अपने ब्रदर्स को हेट करें, इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस. अगर हम उनको हेट करेंगे तो वो है क्या? वो तो बिल्कुल हमारे जैसे ही है. इट मीन्स वी आर हेटिंग आवरसेल्व्स. We are hating a human person. We are hating a civilization. To hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess. हम अपने आप को dispossess कर रहे हैं. हम लोग अपने आप को betray कर रहे हैं. अपने आप को धोखा दे रहे हैं. We are condemning ourselves. हम अपने आप को बुरा भला बोल रहे हैं. Remember, we who take arms against each other, ये हम लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ arms उठा रहे हैं, weapons उठा रहे हैं. It is the human earth that we defile. अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम अपने ब्रदर्स के साथ में लड़ते हैं जो किसी और कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ह्यूमन अर्थ को पोल्यूट कर रहे हैं. वी आर पोल्यूटिंग द ह्यूमन अर्थ, वी आर डिफाइलिंग द ह्यूमन अर्थ. हम ह्यूमन अर्थ की इनोसेंस, जो नेचर है, उसे खराब कर रहे हैं. आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन. रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज. क्या कह रहे हैं बेटा यहाँ पे? कह रहे हैं जब हम एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स उठाते हैं, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम अपनी ह्यूमन अर्थ के साथ धोखा कर रहे हैं. हम अपनी ह्यूमन अर्थ को बिट्रे कर रहे हैं. वी आर डिफाइलिंग, हम उसे इम्प्योर कर रहे हैं. आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर. जो एयर होती है, जब बॉम्ब वगैरह फेंके जाते हैं, जब वेपन्स को यूज किया जाता है, जब आर्सेनल को यूज किया जाता है, तो एयर में पोल्यूशन आती है. जो प्योर एयर हमारे पास होती है, वो खराब होनी शुरू हो जाती है, वो डिटोरिएट होनी शुरू हो जाती है. So, यहाँ पे देखो, दो चीजें कहना चाहते हैं पोएट. पहली चीज तो ये कह रहा है कि जब आप वॉर्स वगैरह लड़ते हो, तो इसका एक इम्पैक्ट क्या होता है कि आपका एनवायरनमेंट खराब हो जाता है. आप नेचर को खराब कर रहे हो, आप अर्थ को डिफाइल कर रहे हो, आप अर्थ को इम्प्योर कर रहे हो. एंड साथ में जो इनोसेंस है हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर, यू आर पोल्यूटिंग दैट एज वेल. आप उसको भी खराब कर रहे हो. Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. Our hells of fire, जो हम आग लगाते हैं, जो हम weapons को use करते हैं, and dust outrages the innocence of it. ये air को pollute करते हैं, ये air को खराब करते हैं. That is everywhere our own. जहाँ पे सारी की सारी हवा ही किसकी है? हमारी है. हम ये नहीं कह सकते कि ये हवा हमारे को belong करती है, वो हवा किसी और country को belong करती है. Of air that is everywhere our own, remember, no men are foreign and no country strange. हमेशा इस बात को याद रखो, कोई भी person, कोई भी human being जो है, ये foreign नहीं है, कोई भी country strange नहीं है. अब बेटा अगर आप इसी के ही first और last stanza को देखो, if you look at this, इस line को देखो एंड इस लाइन को देखो, तो बेसिकली उन्होंने करा क्या है? उन्होंने सिर्फ एडजेक्टिव्स को रेसिप्रोकेट कर दिया है, जंबल कर दिया. फर्स्ट लाइन थी रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरन, और लास्ट लाइन क्या है? रिमेंबर नो मैन आर फॉरन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज. दोनों से ही पोएट सिंपली आपको क्या कन्वे कर रहा है कि कोई भी पर्सन, कोई भी कंट्री ना तो फॉरन है ना ही स्ट्रेंज है. दिस इज बेसिकली अ पीस पोएम जिसे क्रिएट किया गया लोगों के अंदर जगाने के लिए इस चीज को, कि क्विट ऑफ योर सेल्फिश थिंग्स. जो भी चीजें सेल्फिशनेस अपने अंदर रख के बैठे हो, सेल्फिशनेस को छोड़ दो. जब भी आप कहोगे मैं, इट इज आई हु एम डूइंग दिस थिंग, सो आप एक सेल्फिश नेचर पे आओ. इट इज माय कंट्री, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल, इट इज आई हु एम टेकिंग द वेपन. यहां पर पोएट कह रहा है उसी आई को रिप्लेस कर दो. जिस आई की आप बात कर रहे हो, उसी आई को रिप्लेस कर दो. उस आई की जगह होना क्या चाहिए? वी होना चाहिए. बिकॉज ऑल ऑफ अस बिलोंग टू अ सिंगल अर्थ. Because all of us are human beings and we should not be divided among geographical boundaries or mental boundaries. हमें geographical boundaries जो countries बनाई जाती हैं उसमें divide होने की जरूरत नहीं है. जो mental boundary religion के through बनाई जाती है उसमें divide होने की जरूरत नहीं है. For what we shall do is, we shall always have unity amongst each other. हमारे को हमेशा हमारे बीच में क्या होनी चाहिए? Unity होनी चाहिए. Now the poem is almost over. एक बार इसके poetic devices को देखते हैं, उसके बाद इसकी summary के through इस poem को पूरा pack कर देते हैं. आओ जरा देखते हैं इस चीज को. बेटा सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर देखो, so हमारे पास सबसे पहले आपको first stanza में देखने को मिलेगा.
आई एम वेटिंग फॉर अ सेकेंड. आप देखो फर्स्ट स्टैंजा में कौन सा आपको डिवाइस देखने को मिलेगा. पहले स्टैंजा के अंदर यू विल फाइंड एलिट्रेशन. एलिट्रेशन कहां पर, अगर आप लोग देखो, द लाइन बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. ये जो बी बी रिपीट करा गया है ये हमारे पास क्या है, दिस इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन का सिंपली मतलब क्या होता है, जब लेटर्स या फोनिक साउंड्स को रिपीट किया जाता है, दोबारा यूज किया जाता है. सिमिलरली अगर आप इसके अंदर देखो, वॉज लॉन्ग विंटर स्टाफ्ड, डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो वर्ड, दिस इज ऑल्सो आर एलिट्रेशन. ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एलिट्रेशन है. नेक्स्ट अगर आप इसमें देखो, स्टार्टिंग के अंदर रिमेंबर वर्ड यूज किया गया है, लास्ट में रिमेंबर वर्ड यूज किया गया है, दिस इज वर्ड, दिस इज रेपिटेशन. ये और कुछ भी नहीं है, ये सिंपल हमारे पास रेपिटेशन है. एंड लास्टली एक बेटा पोएट्री डिवाइस हमारे पास यहाँ पे एंजामेंट भी है, लेकिन एंजामेंट आज तक क्लास 10th एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं आया. एंजामेंट एक ऐसा पोएट्री डिवाइस है जो क्लास 11th 12th में आता है. सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी बेटा हम लोग किसी पोएटिक फॉर्म में किसी चीज को लिखते हैं ना, जैसे अगर आप फर्स्ट स्टैंजा को देखो, ये जो लाइन्स 2, 3, 4 है, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, लाइक आर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, इस अर्थ लाइक आर्स इन विच वी शैल ऑल लाई. ये बेसिकली एक पोएटिक फॉर्म से, एक पोएटिक नेचर से यहाँ पे बताया जा रहा है. दैट इज वाई ये हमारे पास क्या है, दिस इज एंजामेंट. बेटा एंजामेंट सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए है, या आप लोगों के पेपर में नहीं पूछा जाएगा. ओके नाउ उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करनी है, दैट इज इस पूरी पोएम को पैकअप करने से पहले एक बार इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स ओके नाउ इसकी समरी देखते हैं बेटा. नो मैन आर फॉरेन समरी. द पोएम नो मैन आर फॉरेन बिगिंस एंड एंड्स विद द सेम लाइन. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. जैसे बेटा हम लोगों ने देखा था कि ये पोएम जो है ये स्टार्ट और एंड होती है सेम लाइन से. रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज, एंड इसी का ही रेसिप्रोकेशन प्रोनाउंस का हम लोगों ने एडजेक्टिव्स का लास्ट में भी देखा था. एज द पोएट वॉन्ट्स टू एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट दैट ऑल द पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ आर द सेम एंड दैट वी हैव क्रिएटेड डिस्टिंक्शंस बाय इरेक्टिंग बॉर्डर्स एंड फेंसेस डिफरेंट लैंग्वेजेस. बेटा सबसे पहली बात जो पोएट यहाँ पे एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा है, वो क्या एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा है, दैट रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. एंड जितनी भी ये डिस्टिंक्शंस आपको देखने को मिलती हैं, ये किसने क्रिएट करी हैं, ये हम लोगों ने, ह्यूमंस ने खुद क्रिएट करी हैं. अब ये डिस्टिंक्शंस की बेटा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. हमारे पास ज्योग्राफिकल डिस्टिंक्शंस हो सकती हैं. ज्योग्राफिकल या फिजिकल डिस्टिंक्शंस का मतलब क्या है, जो हम लोग देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीज, जो कंट्रीज फॉर्मुलेट करी जाई हुई हैं. सिमिलरली आपको मेंटल डिस्टिंक्शंस देखने को मिलती है. मेंटल डिस्टिंक्शंस का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास रिलीजियस डिस्टिंक्शंस हैं, अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं. एंड फेंसेस डिफरेंट लैंग्वेजेस एटसेट्रा. While we are alive, we work on the same earth. जब हम अलाइव है, जब हम लोग जिंदा है, तो हम लोग सेम अर्थ पे वर्क अपॉन करते हैं. एंड अपॉन आर डेथ वी विल लाई इन आर ग्रेव इन द सेम अर्थ. जब हम लोग जिंदा हैं तो हम लोग सेम अर्थ पे वर्क अपॉन कर रहे हैं, एंड जब हमारी डेथ हो जाएगी तब भी हम लोग इसी अर्थ के अंदर जाकर लाई कर जाएंगे. He draws another similarity that we all enjoy good food during peace and starve during war in the winter time. This is what I had explained you. कि जब हम लोगों ने इस poem को पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि जैसे हमारी country के अंदर, in our home country, when we are peaceful, we have a good harvest, we consume that produce. And when there is winter or when there is a war going on, तो एक bad harvest होता है and famines आते हैं, starvation होती है. We all have similar hands. Which we used to do a lot of hard work. All of us has eyes that whenever we, all of us have eyes which remain open when we are awake and close when we are asleep. He reminds the reader that whenever we hate someone, we cheat and hate ourselves. तभी वहां पे लाइन लिखी हुई थी, अगर आप लोग याद करो, इट इज वी हु आर कंडेमिंग. हम लोग अपने आप को कंडेम कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को डिफाइल कर रहे हैं, वी आर बिट्रेइंग ourselves. Also, when we pick weapons against someone, we pollute the earth and make it impure with the huge mounds of dead bodies strewn upon it. जब हम लोग वॉर लड़ते हैं, जब किसी के भी खिलाफ हम लोग वॉर का ऐलान करते हैं, so we are doing what is, we are polluting our own earth. हम लोग खुद ही अपनी earth को impure कर रहे हैं. So brother, this was our poem, No Men Are Foreign. आप लोग आराम से इस poem को पढ़कर देखो, कोई problems आती हैं तो आप लोग comment box में लिखो, या class में इसको हम लोग discuss करते हैं.
मेरा आज का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि इस टाइम पे 20 मिनट्स हो रहे हैं, विद इन 20 मिनट्स में आपकी पूरी की पूरी पोएम वन शॉट के अंदर खत्म कर दूं एक्सप्लेनेशन और रिविजन। सो आई होप आप लोग सारे इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट करोगे। डू लाइक द वीडियो, लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स एज दिस सर्व्स अ वेरी ह्यूज मोटिवेशन बूस्टर फॉर मी। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। बाय बाय।